मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, लाखों की तादाद में मुसलमान जम्मू में मरे, उसका भी इकरार नहीं होता। आपको मालूम कि 62 में चीन से जंग हुई तो कलकत्ता में चीनी रहते थे, भारत के थे, हजारों की तादाद में उन चीनियों को जो भारत के थे राजस्थान ले जाकर जेल में डाल दिया गया उनको, उसका भी इकरार नहीं होता। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को जो हुकूमत कर रहे हैं, जम्मू के मुसलमानों के कत्लेआम को मानो आप। जम्मू के राजा ने जम्मू के मुसलमानों का कत्लेआम किया था, और अगर तुमको यकीन नहीं है असदुद्दीन अवैसी की बात का तो सुनो ये किसने कहा था और कब कहा था, ये क्या कहा था कि महात्मा गांधी ने 27 नवंबर 1947 को गांधी ने कहा था, क्या कहा था गांधी ने, गांधी रेफर टू द कंसिडरेबल एक्सेसेस बाय द हिंदूज इन जम्मू, दिस हैज नॉट बीन फुली रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स, एमके गांधी 1984 पेज 115। ऑन 25 दिसंबर 1947 गांधी हेल्ड महाराजा हरी सिंह रेस्पॉन्सिबल, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार उस राजा की खुशी में छुट्टी का ऐलान करती है, उस राजा की खुशी में। बताओ तुम कैसे गांधी के चाहने वाले हो कि गांधी ने कहा गांधी हेल्ड महाराजा हरी सिंह रेस्पॉन्सिबल, ही एलाबोरेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड देयर एंड मुस्लिम वुमेन, और गांधी ने कहा मुस्लिम खवातीन के बारे में हैव बीन डिसऑनर्ड, द महाराजा शुड क्लियरली से दैट ही इज नो लॉन्गर द रूलर, इट इज द मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर हु आर द रियल रूलर्स एंड दे में, ये गांधी ने कहा था। तो जिसने जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया उस राजा के लिए छुट्टी का ऐलान करती है, जिसको गांधी ने कहा था कि वो जिम्मेदार है, मगर उसका कोई जिक्र नहीं।